आज हम रैंकिंग करने जा रहे हैं स्पाइडरमैन्स को, मतलब कि जितने भी स्पाइडरमैन अभी तक हमें देखने को मिले वो सारे स्पाइडरमैन, मतलब चाहे वो मार्वल के हो या सोनी के, टोटल 8 मूवी है, 9 भी है लेकिन 8 मूवी है। तो उन 8 मूवी को हम रैंक करने वाले हैं और उनके देखेंगे कि कौन कौन से कंपैरिजन में सबसे टॉप पर सबसे नीचे कौन सी है। तो मेरा नाम है अफवान शेख, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अफवान मारवल, और आज के इस वीडियो में हम रैंकिंग करने वाले हैं टॉप 8 की, क्योंकि 8 ही मूवी है, 10 होती तो 10 भी करते। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 8 पे है स्पाइडरमैन 2, जिसमें ऑक्टोबर विलन था, जिसे हमारे जिसमें कैरेक्टर थे टोबी मैकग्वायर, जिसने स्पाइडरमैन का रोल प्ले कर रहा था, जो कि सोनी बेस्ड है। और ये मूवी इतनी खास थी, लेकिन इतनी खास भी नहीं थी डॉक्टर ऑक्टोपस की वजह से, लेकिन फिर भी इसे इतना खास बनाया जाने पर वो टोबी मैकग्वायर का हाथ था, मतलब जो स्पाइडरमैन का जो रोल था बस उसी की वजह से 8 नंबर पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात की जाए तो उसे 8 नंबर पर लाने के लिए डॉक्टर ऑक्टोपस ही थे जिन्होंने उसे इतना पीछे पहुँचा दिया। ये मूवी देखने के बाद इतना खास फीलिंग नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़ोरदार मूवी थी, फिर भी हमें इसे इतना बुरा नहीं कहना चाहिए। तो भी ये मूवी नंबर 8 पे है। नंबर सेवन पर है दी अमेजिंग स्पाइडरमैन, हाँ, जिसे हमें जिसके अंदर हमें स्पाइडरमैन थे एंड्रयू गारफील्ड, जिसके अंदर विलन थे डॉक्टर कर्ट्स कॉनर, मतलब कि हमारे लिज़र्ड। ये मूवी भी काफ़ी खास थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 एंड दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। अगर मैं चाहता तो इन्हें काफ़ी ऊपर रखता था, लेकिन हमें इसे रैंकिंग करना है तो बस उसके हिसाब से अगर जो इसे रैंक करा जाए तो ये मूवी 7वें नंबर पर आ रही है। ये इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस है, लेकिन फिर भी ये मूवी मेरे हिसाब से 2nd या 3rd नंबर पे होना था, लेकिन फिर भी इसे 7 नंबर पे रखना पड़ा, जिसकी साफ साफ वजह है डॉक्टर कर्ट्स कॉनर, मतलब कि हर मूवी में उसके विलन के हिसाब से ही हो रहा है। लेकिन फिर भी लिज़र्ड को जिस तरीके से उतना ख़तरनाक बताया जा सकता था उतना डेंजर बताया नहीं गया डॉक्टर ऑक्टोपस की तरह, क्योंकि डॉक्टर ऑक्टोपस भी काफ़ी ज़्यादा तगड़े विलन थे और काफ़ी डेंजर विलन थे, लेकिन उन्हें भी इतना भयंकर बताया गया नहीं। नंबर 6 पर है स्पाइडरमैन 1 मूवी, जी हाँ, टोबी मैकवाट की ही सोनी के द्वारा निकली गई, जिसके अंदर हमें विलन देखने को मिला था ग्रीन गॉब्लिन। अब ग्रीन गॉब्लिन का कोई दोष नहीं था, ग्रीन गॉब्लिन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, लेकिन जिस तरीके से अंदर रोल के अंदर प्लेइंग हुई ने, जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हद तक सही नहीं लगी, चाहे वो बात की जाए स्पाइडरमैन को बनाने की या फिर स्पाइडरमैन की काफ़ी सारी खूबियाँ की। लेकिन फिर भी ये मूवी नंबर सिक्स पर आ रही है। तो नंबर 5 पर है, हाँ, आप लोगों की फेवरेट मूवी, जिसका नाम है वैनम, और उसके अंदर हमारे कैरेक्टर थे टॉम हार्डी, जिसके अंदर विलन था टॉम हार्डी का ओपोनेंट वैनम, मतलब एंटी वैनम तो नहीं लेकिन वैनम वर्सेस वैनम थी। और उसके अंदर ये नंबर इसके ऊपर 5 आने की यही वजह है क्योंकि उसे इतनी खास बनाई गई नहीं। अब देखो मैं एक बात बता देता हूँ, जितनी भी मूवी है वो सारी टॉप लिस्ट के नीचे सोनी के द्वारा ही होगी, क्योंकि अगर जो मार्वल के हाथ में सारी मूवी देते तो काफ़ी ज़ोरदार बनती है, भले ही वो वैनम हो या कोई भी स्पाइडरमैन मूवी हो। लेकिन जो हमारी टॉम हार्डी के द्वारा बनाई गई वैनम मूवी है काफ़ी ज़ोरदार थी। और वैनम की बात की जाए तो मुझे चाहो कि मैं उसे पहले नंबर पर रखूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से नहीं रख सकता, तो जी हाँ। लेकिन नंबर 5 पे उसके होने की यही वजह है कि उसके अंदर उसे खास तरीके से वैनम को सही तरीके से बताया गया नहीं, और वैनम को एक अंतरिक्ष एलियन आता हुआ बताया गया, जो कि मुझे काफ़ी गलत लगा क्योंकि वैनम को उस तरीके से बताना काफ़ी गलत है। नंबर 4 पे है स्पाइडरमैन 3, जिसके अंदर वैनम ही है और स्पाइडरमैन भी है, सैंडमैन है सॉरी, और उसके अंदर हमारे टोबी मैकग्वायर ही स्पाइडरमैन बने हुए हैं। और उसके अंदर हमें ये में से नंबर 4 पर रखने की यही वजह थी क्योंकि उसके अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, खासकर वो बात की जाए वैनम की, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हद तक सही लगा, और सैंडमैन की भी, जिस तरीके से सैंडमैन आता है और विलन के तौर पर आता है और उसके अंदर जो फाइटिंग होती है, आगे जाके हमारे ग्रीन गॉब्लिन का लड़का भी आके उसकी मदद करता है, और स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंटरेस्टिंग बनाई। अगर इस तरीके से अगर हमारे मार्वल वाली स्टोरी लाइन को अफोर्ड करे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब बात करते हैं हमारे नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 पर है स्पाइडरमैन होम कमिंग,
टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन होमकमिंग। अब इसे नंबर थ्री पर रखने की वजह साफ साफ यही थी क्योंकि ये मूवी जो है इतनी खास बनाई गई नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर हमें स्टोरी जो लाइन थी वो स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा हद तक सही नहीं बताई गई। जिसके उसके हिसाब से बता दूँ स्पाइडरमैन की ओरिजिनलिटी की, तो वो ओरिजिनलिटी स्पाइडरमैन की छुपाई गई। मतलब कि जिस तरीके से हमें स्पाइडरमैन किस तरीके से बनता है उस तरीके से बताने की जगह डायरेक्ट कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से जोड़ दी गई, उसकी वजह से मुझे इसे इस मोमेंट पर रखना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आपको पता होता ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त थी देखने के लिए, उसके जो हमारे रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने आयरन मैन का कैरेक्टर जो प्ले किया है उसके वजह से, तो ये मूवी को चार चांद लग ही जाते हैं। नंबर टू की बात करते हैं तो नंबर टू पे है दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। और इस पे स्पाइडरमैन पे रखने की वजह यही है कि इसके अंदर हमें देखने को मिला है इलेक्ट्रो। जी हाँ, काफ़ी ज़ोरदार इस मूवी का कॉन्सेप्ट था ना। इसके अंदर के जो ग्राफिक्स थे और एडिटिंग थी काफ़ी ज़्यादा स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम को टक्कर दे उस बराबर थी। लेकिन नंबर वन पर है हमारे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। जी हाँ, आपको पता हो तो ये मूवी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर रही कि इसने सोलो मूवी में स्पाइडरमैन की, मतलब कोई भी सोलो मूवी हो उसमें स्पाइडरमैन की इस फार फ्रॉम होम ने सबको पछाड़ दिया और काफ़ी ज़ोरदार बन गई, जिसके अंदर मिस्टीरियो ने अपनी ताकत लगा दी। हालांकि फेक था फिर भी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और उसके हिसाब से स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम को नंबर वन पे रखना पड़ा। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर स्पाइडरमैन एंड वॉर्स मतलब एनिमे मूवी को मैं नहीं रख रहा हूँ। अगर उस मूवी को मैं इस लिस्ट में रखता तो उस मूवी का पायदान होता नंबर वन। जी हाँ, नंबर वन। लेकिन उस मूवी को इस लिस्ट में नहीं रखा सकता क्योंकि वो मूवी इस लिस्ट में है ही नहीं, हो आई नहीं सकती, क्योंकि वो एनिमे बेस्ड मूवी है और हम एनिमे बेस्ड मूवी को नहीं कर रहे कंपेयर, हम सिर्फ कैरेक्टर वाइज मूवी को कंपेयर कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिए। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपके पास इससे रिलेटेड और एक नया फैक्ट हो तो प्लीज़ उसे भी हम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और रैंकिंग में कुछ गड़बड़ी हो तो वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।